अरे दुक्कड़ भाई, तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर से निकाल दी है तो कोई बात नहीं है भाई। ठीक है, तुम मेरे घर जाकर रह सकते हो, खा सकते हो, लौट सकते हो, सूत सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई दुक्कड़ भाई। अरे मेरे दोस्त, तुम तो बात सही कह रहे हो, मैं तुम्हारे घर तो जा सकता हूँ, मगर तुम्हारी बीवी मुझे बर्दाश्त तो कर लेगी ना? क्या पता चले कि मैं जाकर भर में सोया रहूं और आके मेरे चिमटे से छड़ फोड़ दे तो क्या होगा? हाँ ये बताओ। अरे क्या भाई रुक्कड़, आप भी ऐसी बात करते हो यार, ऐसे चाटपटी बात करते हो। मेरी बीवी को क्यों नहीं जानते हो? वो तो गाय है, गाय एकदम गाय जैसी है। ठीक है, वो किसी की मुंह नहीं लगती, प्रेम से रहती है घर पे। अच्छा भाई, तभी तो मैं तुम्हारे घर पे दो चार बार उधर से जा रहा था तो मैं देखा तुम्हारे घर के बाहर एक सांड हमेशा घूमता रहता है, पता नहीं क्यों, उसी के चक्कर में क्या भाई। अरे यार हाँ? दुक्कड़ भाई, तू भी क्या क्या बोलते हो यार, वो तो एक हमारा सार है, गांव में घूमता रहता है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि मेरी बीवी बहुत सीधी सादी है और बहुत अच्छी नेक निशान की है वो। किसी के इंसान को तो, कोई रिश्तेदार को देख ले तो आके गुलाटी मार के पैरों पर गिरती है, बहुत पूजा करती है, उनकी सेवा करती है। ठीक है, अब समझे कि नहीं समझे? अरे भाई मैंने तो सुना है तुम्हारी बीवी बड़ी गुस्सैल है, तुम्हारी हमेशा भिड़ती है उससे, जब देखो तब तुमको डांटती रहती है, बोलती रहती है, कूड़ा फूचा सुनाती रहती है, और तुम तो बोल रहे बहुत सीधी है। अरे दुक्कड़ भाई, तुम क्या क्या बोलते जा रहे हो यार, तुम क्या घिसपट्टी बातें करते हो बार बार यार। अगर तुमको ऐसा नहीं विश्वास है तो तुम अभी चलो मेरे घर पे। अगर मेरी बीवी तुम्हारे पैरों पर आके ना गिरी तो मेरी बात को सोच लेना, अगर ना गिरी तुम्हारे पैरों पे तो मेरे जमार जूता मार जूता, मेरे बाल को गंजे कर देना। ठीक है, हुआ विश्वास कि नहीं अभी? अरे दोस्त, मैं तो ये भी सुना हूँ, तुम्हारे कुछ दोस्त गांव में बातें कर रहे थे कि बोल रहे थे कि वो चिमटा गरम करके तुम्हारे गांड की खाल उघाड़ लेती है, चिमटा गरम करके तुमको निशान दे देती है। बताओ तुम कैसे झीलते हो ऐसे बीवी को, हाँ बताओ। अरे रुक्कर हाँ? भैया, कहाँ कहाँ बातें करते हो यार तुम। अरे यार तुम अभी चलो मेरे घर पे और कदम बढ़ाओ, देखो घर में घुसते ही देखो ना कैसे वो मेरे पैर पर के चूमती है, पैर धोती है वो मेरा, चलो पहले देखो तो तुम ना समझोगे कुछ। हाँ बोलो मोहतरमा, क्या बात है, क्या फोन की हो? इतनी देर से कहाँ मर रहे हो, कहाँ हो अभी तक, हाँ घर क्यों नहीं आए? अरे रास्ते में हो जानू, क्यों परेशान हो रही हो, बस आ ही रहा हूँ, जान ही रहे हो, रोड पे कुछ लोग मिले जाते हैं तो बातें रहती होते रहती है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, हाँ एक बात, कान को छू ना लो, कान खोल के सुन लो अच्छे से, आना तो अकेले ही लेके आना, किसी चपड़ गंजू को मत लेके आना साथ में। देखो कान खोल के सुन लो, अगर किसी चपड़ गंजू किसी संगी साथी दोस्त को लेकर आए साथ में तो सोच लो, चिमटा गरम करके रखा है पहले से रेडी करके, ऐसा ट्यूटू बनाओगी ना कि सात पुश्ते याद करेगी तुम्हारी। ठीक है, कभी तुम्हारे चिमटे के दाग नहीं जाएंगे। क्या कह रही हो मोहतरमा, क्या तुम्हारा व्रत है आज? क्या तुम आज पाँव नहीं छुपाओगी? क्या कैसे नहीं छुपाओगी, मैं देखता हूँ कैसे नहीं तुम मेरा पाँव छुपाओगी। अरे लल्लू राम ये क्या बोल रहा है, गर्मी में कपड़ी तुम्हारे छटपटा गई है क्या, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या, आउट ऑफ रेंज हो गया है क्या तू? हाँ घर आ, मैं तुझे अभी मैं चिमटा गरम के तुम्हारी गांड पे छुआती हूँ, तभी तुझे पता चलेगा कि मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। अच्छा अच्छा हाँ? मोहतरमा, मैं समझ गया। अच्छा तुम जो झाड़ फूक कराई थी बंगाली बाबा से, अच्छा बंगाली बाबा तुझे मना किए हैं आज पैर छूने से क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं है। क्या क्या बोल रहा है तू, कौन सा बंगाली बाबा, किससे मैं झाड़ फूक कराई हूँ? तू सच में सटिया गया है क्या, धूप में जाके रहा, जाकर कहीं पगल खाने में अपन चेकअप करा किया जल्दी से। ठीक है, और ओ हाँ? मनहूस की बच्ची, तुम ऐसे क्यों नहीं पैर छुएगी? अगर तुम मेरी पैर नहीं छुएगी तो मैं तुम्हारी टांगे काट दूंगा, मार मार के तुम्हारा भूसा बना दूंगा, तुम देखता हूँ कैसे तुम मेरी पैर नहीं छूती है। ठीक है, आ रहा हूँ घर में, रुक रुक तू। अच्छा, घर आ जा बेटा, घर आ जा, घर आ जा, मैं तुम्हारी ऐसी ऐसी जगह पर डिजाइन बनाऊंगी चिमटे से कि तुम्हारे साथ पूछते क्या तुम्हारे पूरी खानदान याद रखेगी कैसी कैसी डिजाइन कहाँ कहाँ बना दी है। ठीक है, फोन नहीं कटा था काया अभी, मतलब तो मोहतरमा अभी फोन नहीं काटी थी, मैंने क्या क्या बोल दिया? अच्छा इसका मतलब लगता है मुझे आज कोई बचा नहीं सकता है, यहाँ आज मुझे चिमटे की मार खाने ही पड़ेगी लग रहा है। वाह भाई वाह, तुम ऐसे भी बात करते हो का अपने बीवी से, हाँ इतना भी डरपोक हो गया तुम, हाँ का पता तुम मुझे अपने घर ले चलो, क्या तुम्हारी बीवी मुझे धक्के मार के घर बाहर कर दे तो क्या होगा? हाँ अरे भाई रुक्कड़ लाल, तुम क्यों चिंता करते हो यार, तुम चलो तो घर हमारे, चलो मैं संभाल लूंगा सब, तुम चलो जल्दी चलो। आ जाओ अंदर, गेट खुला ही है, आ जाओ। ए लो मोहतरमा, इनसे मिलो, ये मेरे मामा की लड़की के बेटा है, इनसे मिलो। मैं क्या करूं, और ये भी सुनो, इनका इस दुनिया में कोई नहीं है,
तो ये बेचारा हाँ? कहाँ जाएगा? अब तुम ही बताओ, बेचारे का इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैंने इसको अपने साथ लेके आया। मैं सोचा चलो मेरे घर रहेगा, कुछ खाएगा पिएगा और क्या। क्या बोल रहे हो तुम? क्या मैंने ठीका ले रखा है इस पूरा गांव के आदमी को? जो बेसहारा है उसको लाकर अपने घर में ठूस लो। देखो मेरी बात ध्यान से कान खोल के सुन लो, इस चपड़गंजू को कहाँ से उठा कर लेकर आए हो? देख रहे हो, लग रहा है गंदे नाली कीले से आके आया यहाँ पर। जहाँ से लेकर आए वहीं जाकर छोड़ के आओ जल्दी से, नहीं तो सोच लेना। मैं चिमटा अंदर गर्म करके रखी हूँ पहले से। मैं सोच रही थी कि तुम कोई भुटपटंगा काम करोगे। ठीक है, जल्दी से जाओ, छोड़ कर आओ इसे बाहर। देखो मोहतरमा, मेरी बात सुनो तुम ध्यान से, मैं इसे नहीं लाया हूँ, ठीक है? मेरी तकदीर और तुम्हारी तकदीर इसे यहाँ घसीट कर लाई है। तुम बात के समझा करो मोहतरमा, क्यों फालतू की बकवास करती जा रही हो? देखो हाँ? तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से लेकर ये भागो, नहीं तो तुमको और तुम्हारे इस दोस्त को वॉशिंग मशीन में डालकर सुखा कर लाके पूरे गांव में डालकर बेच दूंगी। ठीक है, समझ नहीं रहे हो मेरी बात को? अरे दुक्कड़ यार, ठीक है तुम थोड़ा जाओ बाहर घूम कर आओ, मैं अभी कुछ बात बनाता हूँ, ठीक है? तुम चिंता मत करो, मेरी बात पर विश्वास रखना तुम, ठीक है? तुम कहीं नहीं जा रहे हो। अरे यार भैया, मैं तो परेशान हो गया है। तो ऐसी बीवी है कि तूफानी मेल है कि हवड़ा टीशन का मेल है कि क्या है भाई? इसको ये झेल कैसे रहा है? मैं तो 2 ही मिनट में परेशान हो गया इससे, मैं क्या करूँ अब? फिर भी मुझसे लेना क्या है, मैं चल रहा हूँ बाहर। अरे मेरे मोहतरमा, तुम ठंडे दिमाग से सोचो, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तभी मैं इसको यहाँ पर उठा कर लेकर आया हूँ, ठीक है? तुम बात को समझा करो। अरे भगवान, मैं इसे कैसे समझाऊँ? क्या तुम भगवान अपने आप को समझते हो? क्या तुम ऐसे ऐसे ससुंदरों का मसीहा समझते हो? हैं? क्या तुम भगवान समझ के अपने घर इसके लेकर आए हो? क्या तुम इसी भ्रम में पड़े हुए हो क्या? अरे क्या पकड़ पकड़ लगा रखी हो यार, मेरे बात ध्यान से सुनो ना बनमटी औरत, क्या तुम एकदम से झपड़ झपड़ लगाए रखी हो? हाँ हाँ ठीक है, बको जो बकना है जल्दी बको। अरे मोहतरमा, तुम नहीं समझ रही हो, ये कोई लल्लू पंजू ऐरा गारा आदमी नहीं है, ठीक है? जानती हो कौन है? बहुत बढ़िया आदमी है, काम का आदमी है, तभी इसको लेकर आया हूँ मैं। क्या इतनी मारखा लग रहा है? कहा गया कहो की मसीहा है कहीं का? नहीं भाई, उसको ब्लड कैंसर है, ठीक है? वो कुछ ही दिनों का मेहमान हुआ है, ठीक है? इसीलिए इसको लेकर आया हूँ मैं। मतलब ये बात हुआ कि क्या मैं नर्स तुम्हें दिखती हूँ? क्या मैं तुम्हें डॉक्टरानी दिखती हूँ? या क्या मैंने अस्पताल खोल रखा है यहाँ पर, जो किसी को उठा कर लेके आ रहे हो यहाँ पर इलाज कराने के लिए? है तुम्हारा दिमाग तो सही है कि सठिया गए हो तुम? ऐसा कर तू, अभी मैं तुम्हारे पिछवाड़े पे चिमटा गर्म करके दूंगी, जब 2 चिमटा तब तुम्हारे होश ठिकाने आएगी। ऐसा कर तू, जल्दी से इसको ले जाकर बाहर छोड़ के आ जल्दी से, ठीक है? नहीं तो मैं तुम्हारी खैर नहीं रखूंगी, ठीक है? अरे मोहतरमा, मेरी बात तो सुने आफत तो, क्या तुम क्या पकड़ पकड़ कर रखी है? मैं पकड़ पकड़ कर रही हूँ, हाँ पकड़ पकड़ कर रही हूँ। लगता है तुम्हारे पिछवाड़े पर का चिमटा का जो निशान था मिट गया है, का फिर से याद दिलाना पड़ेगा का तुम्हें? देखो मेरे पास टाइम नहीं है, जो भी बोलना है बकना है भुकना है जल्दी से बको, ठीक है? मुझे काम करना है बहुत सारा, ठीक है? जल्दी बको जो बकना है। तुम्हारे तरह दिन भर नल्ले नहीं घूमता हूँ, इधर उधर इधर उधर दारू पी कर पड़े रहूँ। मुझे काम करना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, रसोई चलाना पड़ता है, घर का काम पूरा करना पड़ता है। तुम क्या जानो घर का काम कैसे होता है क्या नहीं होता है? अरे मेरी मोहतरमा, तुम नहीं जान रही हो, उसको पास तो ब्लड कैंसर उसको तो है ही है, मगर वो बहुत बड़ा अमीर आदमी है, उसके पास करोड़ों का संपत्ति है, वो कुछ ही दिन जीने वाला है। जब वो मर जाएगा तो उसका पूरा संपत्ति हम लोग हड़प लेंगे, अपने नाम करवा लेंगे, तभी तो मैं उसके घर उसको लेकर आया हूँ अपने घर। तुम नहीं समझ रही हो बात को? अरे बाप रे बाप, मैं कब समझी बताओ? तुमको इतना घुमा फिराने की बतियाने की क्या जरूरत थी? तुमको पहले ही बता देना चाहिए था कि उसको ब्लड कैंसर है, तो कुछ ही दिनों का मेहमान है और उसके पास करोड़ों का संपत्ति है, क्योंकि वो मरने वाला है तो हम लोग उसका फायदा उठा लेंगे। तुमको पहले ही बताना चाहिए था ना, ठीक है? ना जाओ जल्दी से उसको पकड़ कर ले आओ। अरे मोहतरमा, तुम कहाँ चली गई? मैं क्या करूं, मुझे बताओगी कुछ? अभी गाल के नीचे 2 चटकना दूंगी तो समझ में आ जाएगा क्या करना है। जल्दी से जाओ उस देवर जी को पकड़ कर लाओ यहाँ पर, उनका सेवा सत्कार करते हैं हम लोग, क्योंकि कुछ ही दिन का मेहमान है। जल्दी जाओ जल्दी जाओ। ठीक है बाबा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम कुछ इंतजाम करो उनके खाने पीने के लिए। अरे भैया अरे भैया, लग रहा है कि आज लॉटरी लग जाएगी कहाँ। अब तो मेरे पति बड़ी बढ़िया काम किए हैं, अब उनका सेवा करना पड़ेगा हमको कुछ, क्योंकि कुछ ही दिन का मेहमान है वो। चलो ठीक है, लेकर आने दो, तब तो मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ खाने पीने को। ऐसा कर भाई दुक्कड़लाल, तू यहीं जा बैठ जा, बैठ जा, मैं तुझे कुछ खाने पीने का व्यवस्था करता हूँ। क्या हुआ भाई, क्या हुआ, तुम्हारे बीवी कहाँ गई? अरे भाई बीवी को मत छोड़, ठीक है? तू मैं जो कर रहा हूँ कर, तू बैठ जा आराम से।
अरे मोहतरमा कहाँ हो तुम? जी जल्दी से आओ, आ गए मेरे दोस्त दुक्कड़लाल भाई। जाओ बहू आओ, जल्दी आओ, कुछ लाओ खाने पीने के लिए। अरे देवर जी कहाँ, अब खामो खाब बाहर चले गए थे। बताओ भाई मैं कब से परेशान हो गई कि अब कब आएंगे कब आएंगे। देखिए अपने लिए मैं कितना अच्छा अच्छा खाना बना कर रखी हूँ, लीजिए खाइए देवर जी। तो आपका जरा मेरे घर में पड़ा तो मैं धन्य हो गई। देवर जी आप कहाँ चले गए थे, लीजिए खाइए पीजिए, कुछ मौज मस्ती करिए देवर जी। अरे भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरे दोस्त ने क्या भाभी को पिला दिया, कौन सा कैप्सूल दे दिया जो अब बाकी बाकी बातें करने लगी। इतना अच्छा पकवान बना कर ला कर दी भाई, हैं? मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा है। अरे मोहतरमा दोगी खाने के लिए कि अपने हाथ में ही लेकर रखे रहोगी भाई? अरे नहीं नहीं कहे नहीं दे रहे हैं देवर जी को खाने के लिए। लीजिए लीजिए। अरे वाह कितना अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाई हो तुम तो भाई, मेरे तो आंख ही तरस गए थे ऐसा भोजन खाने के लिए। तूने अच्छा किया, बढ़िया बढ़िया खाना बना के रखी हो, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा मोहतरमा। लो भाई खाते हैं। भाई आजकल कोई औरत को समझ नहीं पाया है, औरत कब घड़ी कब सास कौन सा रंग बदल देती है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भाई, कोई यार तक नहीं जान पाया है भैया। फिर भी क्या करना है, चलो मैं तो खाता हूँ। अरे मोहतरमा मेरे लिए भी कुछ लाओगी क्या? धुक्कड़ भाई भर केवल खाएंगे क्या भाई, मुझके भी ले कुछ लेकर आओ खाने पीने के लिए। अरे तुमको क्या हुआ, तुम तो हट्ठे कट्ठे दिख रहे हो पड़े हुए हो, ला रहा हूँ तुम्हारे लिए भी ला रही हूँ, घबराओ मत, रुको वही लेके आई। लो ठूस लो जो ठूसना है जितना, ठीक है? खा खा के मोटा जा रहे हो घर में बैठे बैठे, लो ठूसो जितना ठूसा है। अरे यार मोहतरमा ये क्या कर रही हो, धुक्कड़ भाई के लिए इतना अच्छा सा खाना बना कर लाई, मेरे लिए क्या है जली फीटी रोटी लेकर आई हो तुम खाने के लिए? देखो तुम कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारे लिए नहीं खाना बनाई थी, ठीक है? मैं अपने देवर जी के लिए खाना बनाई हूँ, क्योंकि देव भाई मैं जान रही हूँ उनकी हालत कैसी है, इसलिए उनके लिए बनाई। तुम ठूसो जो ठूसना है इसको, नहीं ठूसना तो भी बताओ, रख दे रही हूँ। अरे नहीं 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 भाई, क्यों परेशान हो रही हो, खामो खाम गुस्सा कर रही हो? खा ले रहा हूँ, यही खा ले रहा हूँ, कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है तुम दोनों खाओ, मैं अभी आई कुछ काम करके, ठीक है? अरे भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, तुमने क्या अपनी बीवी को पढ़ा दिया कि तुम्हारी बीवी मेरी इतनी आदत अच्छी से सेवा सत्कार करने लगी, तुमने क्या कर दिया अपनी बीवी को? अरे मेरे यार दुक्कड़ भाई तुम क्या सोच रहे हो यार, तुम अपना पेट भरो ठीक है, उससे मत बात करो ठीक है, तुम अपना पेट भरने का काम करो, तुम्हारा सेवा हो रहा है ना, बस इतना सोच लो। अरे यार फिर भी बताओ तुम क्या कर दिए हो अपनी बीवी को, क्या लालच दे रहे हो कि इतना सेवा कर रही है मुझे? देखो मैं तुझे राज की बात बताता हूँ ठीक है, देखो औरत की दिमाग जो होती है ना एड़ी में होती है, एड़ी में उनको कुछ समझ नहीं होता है मैं क्या कह रही हूँ क्या सुन रही हूँ और कौन सा बात सही है कौन सा गलत है। और मेरी वाली की जो है ना उसका दिमाग उसकी चोटी में है, बालों में, वो कभी लहराता रहता है, उसको कुछ पता नहीं चलता है कहाँ दिमाग लगा रही हूँ क्या कह रही हूँ, ठीक है? उसको मैं एक कैप्सूल दिया हूँ अच्छा सा, वो भड़क गई है और उसी में चमक रही है वो। अरे यार क्या भाई आप भी बुझौनी बुझाते हो, अरे क्या बताए हो अपनी बीवी को जो इतना मुझ पे तरस खा कर इतना इतना काम कर रही है मेरे लिए, हाँ बताइए। देखो भाई मैंने उसके बोला हूँ उससे तुमको ब्लड कैंसर है और तुम कुछ ही दिनों का मेहमान हो और तुम्हारी सेवा सत्कार करे अच्छे से हो ठीक है, इसीलिए तुमको खिला पिला रही है। और मैं उसको ये भी बोल दिया हूँ कि तुम कुछ ही दिनों का मेहमान हो, तुम मरने वाले हो और तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति है, जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारी संपत्ति सब मेरी हो जाएगी, इसीलिए वो तुम्हारे आगे पीछे घूम रही है। अच्छा बेटू मुझे मूर्ख बना रहा है तू, रुक तुम्हारी यही चलास लेती हूँ तू। अच्छा भैया सही कह रहे हो, औरत को दिमाग नहीं होती है, कुछ भी घसा पीटा सुना दो वो विश्वास कर लेती हैं। अच्छा अच्छा बेटा मैं भी तुझे बता रही हूँ। अच्छा, तुम दोनों का यही प्लान था, अब पता चल गया मुझे, घबराओ मत, मैं तो यही मैं बता रही हूँ, चिमटा गरम करके रखी हूँ मैं। अरे दुक्कड़लाल भाई भाग यहाँ से भाग, नहीं तो मुझे कोई नहीं बचाएगा, तुझे भी कोई नहीं बचाएगा। हाँ भाई घसक ले घसक ले। रुक जा कामिनी रुक जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ, रुक जा रुक जा, अभी मैं तुम्हारी क्लास अच्छे से लेती हूँ, चिमटा गरम के पिछवाड़े पे लाल कर देती हूँ, तब तुझे समझ में आएगा, ठीक है? देख रहे हैं भैया लोग, आप लोग कहा देखे बताइए, ऐसे ही मूर्ख बनाया जाता है अपने पत्नियों को। देखिए भैया लोग आज के हमारे वीडियो कॉमेडी यही कार्टून वीडियो खत्म हो रहा है, अगला वीडियो देखे खातिर हमारे वीडियो की लाइक करी कमेंट करी और नया नया होगी तो सब्सक्राइब करी, ठीक है भैया लोग? राजी स्वीट 2 चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें भैया लोग, आप लोग मिलता टी अगले वीडियो में आप लोगों से।